एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सचेंज रेट के चेंज करने से कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा. सही है. बेसिकली द क्वेश्चन राइट नाउ इज दैट इज इट गुड दैट वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्गर करेंसी और शुड वी हैव अ वीकर करेंसी. द क्वेश्चन राइट नाउ इज दैट विच इज बेटर, शुड अ कंट्री एम टू हैव इट्स करेंसी स्ट्रॉन्गर और शुड अ कंट्री एम टू हैव अ वीकर करेंसी. सही. Let's first talk about what happens if you have a weaker currency. Yeah, let's start talking about it this way. मैं change के हिसाब से बात करता हूँ. For example, if मैं अपनी मेरी country की currency अगर कम हो जाती है, अगर exchange rate गिर जाता है, and we already understand a fall in exchange rate means there is now I have a weaker currency. So there is fall in value of currency, and fall in value of currency का impact क्या आता है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं. सही है. वी ऑलरेडी कवर्ड दिस आइडिया दैट अगर एक्सचेंज रेट गिरता है, हमारी करेंसी लेस वैल्यूएबल होती है, हमारी करेंसी वीक हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट हमारी गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करें उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है. सो एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगे और इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगे. अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस कम होंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए कि एक्सपोर्ट प्राइसेस का कम होना और इंपोर्ट प्राइसेस का इंक्रीज करना, बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज क्रिएटिंग कंपैरेटिव एडवांटेज, एडवांटेज फॉर लोकल गुड्स. सो अगर एक्सपोर्ट्स चीपर हो रही हैं और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रही हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर लोकल गुड्स. लोकल गुड्स अब पहले से ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज दे कैन बी सेल्ड एट लोअर प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट क्योंकि हमारी करेंसी वीक है. और इंपोर्टेड गुड्स अब हमारे लोकल कंज्यूमर्स को और महंगी पड़ेंगी बिकॉज अगेन आवर करेंसी इज वीक. चीपर एक्सपोर्ट्स क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज मिला है तो एक्सपोर्ट्स की बढ़ने का प्राइस कम होने से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने चाहिए और इंपोर्ट्स कम हो जाने चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट द इकोनॉमीज बैलेंस ऑफ ट्रेड विच इज एक्स माइनस एम विल इंप्रूव. सो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट वीक किया जाएगा, अगर हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी या करेंसी डीवैल्यू करेगी, तो एज अ रिजल्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा. ये हमें एक आउटकम मिल गया. सही है. सो हमने एक आउटकम क्या निकाला, दैट डिप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. डिप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. सही है. इसका एविडेंस भी हमें रियल लाइफ में मिलता है. फॉर एग्जांपल जापानीज करेंसी इज वेरी वीक, जो येन है, या युआन चाइनीज करेंसी इज ऑल्सो is relatively weak. I won't say it's weak, but it's relatively weak. Or abhi to phir bhi strong ho gayi hai, pehle to bahut weak thi. And all of this was working to the advantage of these countries. For example, Chinese currency ke weak hone se China ko advantage mil raha tha. Chinese exports were cheaper in Europe and Asia and also in the US. And Chinese people found imports from Europe and US and Australia more expensive. And because of that, ho ye raha tha that चाइना का कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा, चाइना का ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा था और उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग था. सही है. इज दिस क्लियर, यस और नो? सो इस स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है दैट अपनी करेंसी को वीक रखने में फायदा है. बिकॉज इफ योर करेंसी इज वीकर, देन इफ योर करेंसी इज वीकर, अगर अपनी करेंसी वीक करेंगे, डिप्रिशिएट करेंगे, देन योर बैलेंस ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव. यू विल हैव अ बेटर ट्रेड परफॉर्मेंस विद वीकर करेंसी. But the same does not happen with countries like Pakistan. It does not happen with countries like Pakistan. Abhi ek bahut drastic change, kuch 40-50% hamari currency weak hui ek saath, ek go mein to jaakar ek sab thoda to impact aaya. Lekin traditionally hamari economies ke upar ye effect nahi aata. Sahi hai? Hamari economies ke andar hamari currency weak hone ke bawajood hamare balance of trade ke upar wo impact nahi aata jo hum yahan pe dekh rahe hain ki aa sakta hai. इसका मतलब एक्सचेंज रेट का गिरना बैलेंस ऑफ ट्रेड को हर बार इंप्रूव नहीं करेगा. देयर अदर फैक्टर्स एट प्ले. बिकॉज इफ दिस वाज हैपनिंग फॉर एवरी कंट्री देन एवरी कंट्री वुड रिड्यूस देयर करेंसी एंड अचीव दिस बेनिफिट. बट दिस डज नॉट हैपन एवरीवेयर. देयर अदर फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग दिस. सही है. हर बार एक्सचेंज रेट के कम होने से, हर बार करेंसी वीक होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव नहीं करता. सही. इसके बैकग्राउंड में क्या लॉजिक चल रही है कि ये जो हमने कहा था ना, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम करने से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ने से इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, यहां एक इश्यू एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वी कैन से इट वॉन्ट हैपन फॉर एवरीवन. सही है.
ऐसा कैसे हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज एक्स मीन? ये जो एक्स लिखा हुआ है इस एक्स का मतलब क्या है, और ये जो एम लिखा हुआ है इस एम का मतलब क्या है? व्हेन आई से बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, व्हाट इज द एक्स? द एक्स ओवर हियर इज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, व्हाइल द एम हियर इज एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स. एक्स जो है वो क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और एम क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स. सही है? सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वेयर एक्स इज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड एम इज एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स. एंड आई विल बी कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, इट विल बी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स? इट विल बी प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स. सही है? इस तरह प्राइस इनटू क्वांटिटी से रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट निकलेगा, एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी से एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स मिलेगा. एक पुराना कंसेप्ट जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं वो क्या है? दैट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन रेवेन्यू स्लैश एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू लिखे हैं, एक्सपेंडिचर लिखे हैं, सारे एक ही बात होगी. डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सही है? ये हम इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं, जहां पे हमने कहा था कि रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा एक प्रोडक्ट की, तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी फॉल करेगी. ऐसा एक एग्जांपल थी कि अगर प्राइस 5 है, क्वांटिटी 10 है, तो रेवेन्यू आ रहा है 50. अगर मैं प्राइस इंक्रीज करता हूँ फ्रॉम 5 to 6, सो इफ क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 10 to 8 फॉर एग्जाम्पल, तो रेवेन्यू आएगा 6 times 8 इज इक्वल टू 48, व्हाइल इफ क्वांटिटी फेल फ्रॉम 10 to 9, रेवेन्यू गोज फ्रॉम 6 times 9 इज इक्वल टू 54. सो द सेम चेंज इन प्राइस कैन रिजल्ट इन लोअर रेवेन्यू एट 48 और हायर रेवेन्यू एट 54. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच क्वांटिटी इज चेंजिंग. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच क्वांटिटी इज चेंजिंग, या इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी टू दैट चेंज इन प्राइस, या इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी टू दैट चेंज इन प्राइस, या इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस. So, अगर प्राइस चेंज करेंगे तो रेवेन्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? दैट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड अगेन द सेम शुड बी ट्रू, द सेम शुड बी ट्रू फॉर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट आल्सो. सही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स को चेंज करता हूं, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, इस पे क्या इंपैक्ट आएगा ये भी डिपेंड करना चाहिए पीडी. इसका भी ये भी डिपेंड करना चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट. सही है? दैट्स व्हाई वी कैन आर्ग्यू दैट हर बार एक्सचेंज रेट चेंज करने का इंपैक्ट हर कंट्री में, हर सिचुएशन में सेम नहीं आएगा. सही है? हमने यहां से पहले एक बात एस्टैब्लिश कर दी, दैट इफ दिस इज ट्रू देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन PX एंड PM ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन price elasticity of demand of exports and price elasticity of demand of imports. सही है? यहां से हमने ये बात establish कर. Now how does this explained in theory? इस बात को समझाने के लिए एक theory use की जाती है जिसे कहा जाता है the Marshall Lerner condition, which explains this relationship. सही है? So, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट करें कि एक्सचेंज रेट चेंज करने से बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आता है. व्हेन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, सो एक्सचेंज रेट चेंज करने से बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इंपैक्ट आएगा, दैट अगेन वी कैन सी दैट इट शुड डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंपोर्ट्स. सही है? द मार्शल लर्नर कंडीशन, व्हिच आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम नाउ ऑन, आई एम गोइंग टू कॉल इट MLC, द मार्शल लर्नर कंडीशन. जो मार्शल अंडर कंडीशन है इस केस में, मार्शल अंडर कंडीशन सजेस्ट दैट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द लॉन्ग रन, सॉरी
the sum of long run elasticities of exports and imports. Marshall Lerner condition is kaise define karta hai? That it depends upon the sum of long run elasticities of exports and imports. That means impact aega EX plus EM ke upar. सही है कि EX plus EM या अब यहां से तीन केसेस बनते हुए जा रहे हैं हमारे पास. पहला केस है EX plus EM greater than 1, second case is EX plus EM less than 1, and third case is EX plus EM equal to 1. सही है, where EX is long run PED of exports while EM is long run PED of imports. सही है, सो मार्शल लर्नर कंडीशन इस रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है दैट ईएक्स प्लस ईएम ग्रेटर देन 1 है, ईएक्स प्लस ईएम लेस देन 1 है, या ईएक्स प्लस ईएम इक्वल टू 1 है. ये डिटरमिन करेगा कि एक्सचेंज रेट का चेंज बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. सो एज पर मार्शल लर्नर कंडीशन, एज पर मार्शल लर्नर कंडीशन, इफ ईएक्स प्लस ईएम इज ग्रेटर देन 1, मैं पहला केस ले रहा हूं जहां मैं कह रहा हूं मुझे ओवरऑल एक इलास्टिक रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे केस में एक कंट्री के पास दो ऑप्शंस है, इट कैन डीवैल्यू इट्स करेंसी, डीवैल्यूएशन, या फिर रीवैल्यूएशन. अपनी करेंसी को वीक भी कर सकता है और अपनी करेंसी को स्ट्रांग भी कर सकता है. सही है, सिमिलरली अगर ईएक्स प्लस ईएम इज फॉर एग्जाम्पल लेस देन 1, तो यहां पर भी हम क्या देखेंगे, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन. सही है, और तीसरा केस हमारे पास है EX plus EM equal to 1 का, यहां पे भी अगेन दो ऑप्शन है, devaluation and revaluation. So the Marshall Lerner condition suggests that if EX plus EM is greater than 1, then devaluation will improve balance of trade. But if EX plus EM is less than 1, यानी inelastic response आ रहा है, तो इन दैट केस ये जो रीवैल्यूएशन है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करेगा. व्हाइल इफ यू हैव ईएक्स प्लस ईएम इक्वल टू 1, देन बोथ ऑफ देम विल हैव नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकॉज एक दूसरे को नलिफाई कर देगा ये. सही है, सिमिलरली अगर मैंने रीवैल्यूएशन कर दी व्हेन आई एम गेटिंग इलास्टिक रिस्पॉन्स ओवर हियर, सो यहां बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो वर्सन कर जाएगा और यहां भी बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन कर. सही है, सो हमारे पास जो फाइनल आउटकम्स आ गए वो ये आ गए दैट इफ EX plus EM greater than 1 है, अगर लॉन्ग रन इलास्टिसिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स द सम ऑफ इट इट इज ग्रेटर देन 1, देन डीवैल्यूएशन विल इंप्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हाइल रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन विल ओनली इंप्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड इफ EX plus EM इज फॉर एग्जाम्पल लेस देन 1. सही है, अब इस बात का कॉन्टेक्स्ट अगर पहले डेवलप करते हैं कि जैसे पाकिस्तान को देखो, हमारी एक्सपोर्ट्स को देखो, हमारी इंपोर्ट्स को देखो, हम सेमी फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इनमें से बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हम क्या सेल कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उससे आगे क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा और वो कहाँ सेल होगा और किस तरीके से परचेज किया जाएगा. एंड दैट मीन्स डायरेक्टली वी नॉट सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द आउटपुट दैट दे कैन प्रोड्यूस, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स. सही है, तो इसलिए होगा ये कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स को देखा जाए देन दे आर रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम लोग प्राइस इंक्रीज फॉर एग्जांपल कर भी दें, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस पे जो भी इफेक्ट आएगा वो कोई, अगर अपनी करेंसी को अपनी करेंसी वीक कर दें, हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हो भी जाए, बट दैट डज नॉट अगेन मीन दैट उनकी डिमांड बढ़ी जाएगी. और हमारी जो इंपोर्ट्स है दैट इज एक्चुअली द बिगर कल्प्रिट. जैसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अब ऑयल इंपोर्ट करने का मतलब ये है, और बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इसी तरह से हम लोग रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारे पास लोकली नहीं बनती. अब अगर हमारी करेंसी वीक भी हो जाए तब भी हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और हम वो इंपोर्ट करते रहेंगे. सही है, एंड दैट मीन्स अगर हम वो इनइलास्टिक इसलिए इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा. सो व्हेन यू आर गेटिंग इनइलास्टिक रिस्पॉन्सेज, जब आपको रिस्पॉन्सेज जनरली आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर रिलेटिवली एज अ कंबाइंड फैक्टर इनइलास्टिक रिस्पॉन्स मिल रहा है और अपनी करेंसी को वीक करेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए हमने इलास्टिसिटी का और रेवेन्यू का रिलेशनशिप किस तरीके से बनाया था. सही है, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बता रहा हूँ जब हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में. सही, और वो किस तरह से पढ़ा था, जरा इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में से पढ़ा था दैट अगर
इलास्टिक रिस्पॉन्स आ रहा हो गुड के ऊपर, या दूसरा केस है इन इलास्टिक रिस्पॉन्स आ रहा हो, या फिर यूनिटरी इलास्टिक रिस्पॉन्स आ रहा हो। इस तरह के तीन तरह के रिस्पॉन्सेस हैं, सही। और हमने देखा था कि अगर मेरे पास इलास्टिक रिस्पॉन्स है और मैं प्राइस को डिक्रीज कर दूं तो रेवेन्यू इंक्रीज कर जाता है, वाइल अगर प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो रेवेन्यू फॉल कर जाता है। इन इलास्टिक में फॉल इन प्राइस विल हैव फॉल इन रेवेन्यू एंड राइज इन प्राइस विल हैव राइज इन रेवेन्यू, सही है। जमीना वही बात बता रहा हूं जो आप पूछ रही हैं। ये बात हमने एएस के अंदर अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी थी, और ये कि यूनिटरी इलास्टिक अगर होगा सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, सही। सो बेसिकली इसको मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, मैंने एक एग्जांपल दी थी दैट पेप्सी जो है वो रमजान में अपनी प्राइस कम करती है क्योंकि रमजान में पेप्सी को और ज्यादा सब्सिट्यूट फेस करने पड़ते हैं। सो इस तरह मैंने कहा था कि पेप्सी एक इलास्टिक कमोडिटी है, और ऐसी इलास्टिक कमोडिटी अगर अपनी प्राइस को डिक्रीज करती है तो एज अ रिजल्ट उसका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, सही है। पेप्सी इज एबल टू सेल टू अर्न मोर, द रीजन इज बिकॉज दे रिड्यूस प्राइस बट द क्वांटिटी इंक्रीज इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट, एंड बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर रेवेन्यू, सही है। भाई यही अगर फॉर एग्जांपल पेप्सी जो है वो इलास्टिक होते हुए प्राइस इंक्रीज करती तो उसका रेवेन्यू कम होता, सही है। इन इलास्टिक कमोडिटीज अगर अपनी प्राइस कम कर दें, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर सनी प्लास पे सेल लग जाए तो उससे वो ज्यादा नहीं कमाएंगे, उतना ही कमाएंगे, क्योंकि जाहिर है अगर सनी प्लास सस्ता भी मिल रहा हो तो लोग ऐसी थोड़ी लगाना शुरू कर देंगे, सही है। तो इसलिए क्वांटिटी में कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं आएगा, क्वांटिटी ऑलमोस्ट उतनी ही होगी, बट सिंस यू आर चार्जिंग अ प्राइस दैट इज लोअर so you will end up with lower revenues. So elastic good की price कम करने के अंदर आपको नुकसान होता है, while inelastic good की price कम करने में नुकसान है, but inelastic goods को अगर आप expensive करें, उसकी price बढ़ा के बेचें, तो that means you can earn more. अब मैं इसी logic को इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, सही है। So elastic की जगह मैं लिख रहा हूँ EX plus EM greater than one. Elastic response आ रही है, Marshall Lerner condition बन रही है। Inelastic में मैं क्या करता हूँ, इन इलास्टिक में लिखता हूं EX plus EM less than 1, इन इलास्टिक रिस्पॉन्स, और यूनिटरी में लिखता हूं EX plus EM equal to 1, सही। इन दिस केस वी आर नॉट चेंजिंग प्राइस, इन दिस केस वी आर चेंजिंग एक्सचेंज रेट, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास मार्शल लर्नर कंडीशन देयरफॉर ये बन गई दैट इफ यू हैव EX plus EM greater than 1, तो एक्सचेंज रेट गिरने से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेगा, एक्सचेंज रेट बढ़ने से बैलेंस ऑफ ट्रेड कम करेगा, सही है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो मार्शल लर्नर कंडीशन ये कहती है दैट इफ यू गेटिंग इलास्टिक रिस्पॉन्स ऑन योर सम ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दैट अ ड्रॉप इन योर एक्सचेंज रेट, अ फॉल इन एक्सचेंज रेट विल इंप्रूव योर बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजीशन। Well, if you have EX plus EM less than 1, then appreciating or revaluing your currency will improve your balance of trade like this. सही है। सो हर बार एक्सचेंज रेट गिराने में एडवांटेज नहीं है, इफ EX plus EM is greater than 1, तो फिर इन दैट केस जो रिस्पॉन्स आएगा एक्सचेंज रेट गिराने से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेगा, बट इफ EX plus EM is less than 1, तो एक्सचेंज रेट बढ़ाने में आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, सही है। इज दिस क्लियर, यस और नो? So if you get a question that says कि depreciation से exchange आपका balance of trade improve होगा या worsen होगा, so you would can argue कि ये तो depend करता है, Marshall Lerner condition ये कहता है that it depends upon the sum of elasticities of exports and imports. अगर हमें general हमें response ज़्यादा अच्छा, यहाँ export और imports अपनी अपनी जगह elastic होना ज़रूरी नहीं है, अगर let's say 0.6 और 0.5 है तो 1.1 आ जाएगा इन दोनों का sum, और in that case हमें overall elastic response मिलेगा, that's what Marshall Lerner condition suggests. In this case, we would argue that overall हमारा जो response, जो balance of trade है, वो improve करेगा अगर आप depreciate करेंगे अपनी currency. So depreciation या devaluation will not always increase your currency, your balance of trade. It depends upon the as per MLC, the sum of elasticities of exports and imports. Right? अच्छा. So Marshall Lerner condition ने हमें exchange rate का और balance of trade का relationship दिखा दिया. एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड वी हैव डेफिनेट कंक्लूजन, सही है। बट हाउ डज इट एक्चुअली इन प्रैक्टिस ये काम होता किस तरह से, इसको समझाने के लिए सो आई एम टेकिंग टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड आई एम टेकिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑन द वाई एक्सिस। लेट्स से वी आर एट पॉइंट ए राइट नाउ, और पॉइंट ए पे कंट्री का एक स्मॉल सरप्लस है, एक फॉर एग्जाम्पल इस टाइम 2010 के अंदर फॉर एग्जाम्पल,
एंड पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए हमारे पास है इसके ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, डेप्रिसिएशन करती है. देयर इज डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन, गवर्नमेंट कर रही है तो डीवैल्यूएशन होगी. पॉइंट ए पे गवर्नमेंट क्या करता है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कर देता है. पॉइंट ए पे गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देता है, अपनी करेंसी वीक कर देता है. दैट मींस एक्सचेंज रेट कम कर देता है. एंड वी अंडरस्टैंड कि एक्सचेंज रेट कम होने से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सचेंज रेट कम होने से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स इंक्रीज कर जाता है. सही है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये डीवैल्यूएशन से ही हो रहा है. प्लस हम पहले ये बात बता चुके हैं कि अगर ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन वन होगा, ई एक्स प्लस ई एम लेस देन वन एंड ई एक्स प्लस ई एम इक्वल टू वन. यहां पहला केस है एक्सचेंज रेट कम होने का और दूसरा केस है एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का. नाउ अगर ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन वन है तो एक्सचेंज रेट कम होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव करता है. यहां बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेगा, यहां पर वर्सन करेगा और यहां पर भी वर्सन करेगा. एंड ऑफकोर्स देर इज नो change in balance of trade in this situation. सही है, हम यहां से तो start करें. Now point A पर अगर हमने अपनी currency को devalue कर दी, then what should we expect? In the short run, जो short run response होगा, that is inelastic. Short run response inelastic होता है, because adjusting to such a change in currency will take time. Short run के अंदर information भी नहीं होगी, और information होगी भी तो उस पे लोग foreign act नहीं करेंगे. Consumers will take time to switch, producers will take time to switch. I know that imports have become expensive, but that does not mean that I will switch to local goods immediately. सही है, जरूरी नहीं है कि लोग foreign immediately local goods के ऊपर switch कर जाएं. That means that will take time. सही है, सिमिलरली हमारी एक्सपोर्ट्स चीप हुए हैं, बट द इंफॉर्मेशन टू ट्रांसमिट टू आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड अगेन देयर कंज्यूमर्स मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ लीविंग देयर लोकल गुड्स एंड परचेजिंग माय एक्सपोर्ट्स इज गोइंग टू टेक टाइम. सो इन द शॉर्ट रन वी आर गोइंग टू गेट एन इलास्टिक रिस्पॉन्स ऑन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. सी शॉर्ट रन में हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, शॉर्ट रन में एक्सचेंज रेट कम करने से हमें इन इलास्टिक रिस्पॉन्स मिलेगा एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड शुड वर्सन. सही है, बट जब लॉन्ग रन आएगा, सो लॉन्ग रन के अंदर हमारे कंज्यूमर को और उनके कंज्यूमर को और हमारे प्रोड्यूसर ने एडजस्टमेंट कर ली होंगी, आउटपुट चेंज कर लिया. हमारे प्रोड्यूसर पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करा होगा, हमारा कंज्यूमर इंपोर्टेड गुड को छोड़ के लोकल गुड पे आ चुका होगा, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर अपनी गुड को छोड़ के हमारी गुड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा होगा. इसे शॉर्ट रन के अंदर रिस्पॉन्स, इलास्टिक रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्ग रन के अंदर ही आएगा, वो शॉर्ट रन में नहीं आएगा. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज अ सिचुएशन जहां पर अगर मैं पॉइंट ए पे डीवैल्यूएशन करता हूं, सो इनिशियली द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल वर्सन एंड देन ओवर टाइम इट विल स्टार्ट टू इंप्रूव. सही है, इट विल इनिशियली वर्सन एंड देन ओवर टाइम इट विल स्टार्ट टू इंप्रूव. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द जे कर्व इफेक्ट, एंड एज यू कैन सी व्हाई इट इज कॉल्ड द जे कर्व इफेक्ट, बिकॉज इट गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर. शॉर्ट रन रिस्पॉन्स इनइलास्टिक होता है, जो चेंज आता है वो लॉन्ग रन के अंदर आता है, जो इंप्रूवमेंट आएगी वो लॉन्ग रन की आएगी. इस बात को दिखाने के लिए ना एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ. आई थिंक विच पेपर वॉज इट, ये देखो ये डेटा पास पेपर का क्वेश्चन है, नवंबर 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आया था. मैं सिर्फ उसका डेटा दिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका डेटा दिखा रहा हूँ. लुक एट दिस डेटा. सही है, इस डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ब्रिटेन का, हमें यूके करंट अकाउंट दिया हुआ है, यूएस का करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है. सही है, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, इसका एक्सचेंज रेट दिया हुआ है अगेंस्ट द यूरो. सही है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है और साथ में बताया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर एक्स एक्सिस पे क्या है, हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है डॉलर पर यूरो. सही है, डॉलर पर यूरो का क्या मतलब है, किसकी करेंसी है, यूरो की यूरो की बात हो रही है, डॉलर की वैल्यू है, विच करेंसी आर वी टॉकिंग अबाउट, ये करेंसी डॉलर. वेरी गुड, वेरी गुड, यूरो है. जो डिनोमिनेटर में क्या है, यूरो है. इट इज गिविंग अस वैल्यू ऑफ, इट इज व्हाट इट इज गिविंग अस इज द नंबर ऑफ डॉलर्स फॉर ईच यूरो. इट इज गिविंग अस द नंबर ऑफ डॉलर्स फॉर ईच यूरो, सो दैट मींस इट इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ यूरोस. अब इसलिए साथ में क्या बताया है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो डॉलर वीक हो रहा है क्योंकि यूरो स्ट्रांग हो रहा है. अच्छा जरा इसके अंदर एक केस देखते हैं, जरा ये 1984 वाला टाइम देखो. What we can see over here is that 1984 में
यूएस डॉलर वीक होना शुरू हुआ. सही है, हमें इस डाटा को देख के क्या नजर आ रहा है दैट 1984 के अंदर या 1985 में यूएस डॉलर वीक होना शुरू हुआ, क्योंकि उसकी वजह क्या है 1985 के बाद ये ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, यूएस डॉलर वीक हो रहा है. तो 1985 में यूएस डॉलर ने वीक होना शुरू किया. लेकिन जरा यूएस के करंट अकाउंट को देखो 1985 के बाद 1986 में ये और गिरा, 1987 में ये और गिरा, और फिर 1988 में इसने बढ़ना शुरू किया. ये जो आपको मूवमेंट नजर आ रही है ना, ये पहले नीचे गिरा और फिर ये ऊपर आया. ये जो मूवमेंट आपको नजर आ रही है, गिरा और ये बढ़ा, ये क्या है, ये जे का इफेक्ट तो है. हालांकि कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो यहां पर चेंज कर गया था. सही है, व्हाट वी कैन सी इज कि एक्सचेंज रेट जो है वो 1985 के अंदर एक्सचेंज रेट ने जो यूएस डॉलर उसे वीक होना शुरू कर दिया था. लेकिन एट द सेम टाइम और हमें क्या नजर आ रहा है, एक्सचेंज रेट कम होने से इवेंचुअली यूके का बैलेंस ऑफ ट्रेड या करंट अकाउंट इंप्रूव कर रहा है. सही है, बट इन द शॉर्ट रन क्या हुआ, इट गॉट वर्स बिफोर इट गॉट बेटर. सही है, इसलिए ये जो प्रिंसिपल है बैकग्राउंड में चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द जे कर्व इफेक्ट. और जे कर्व इफेक्ट जो है, जे का इफेक्ट ये बताता है कि जो मार्शल लर्नर कंडीशन जो भी प्रिडिक्ट कर रहा है उसका इंपैक्ट फॉरन नहीं आएगा, इट विल गेट वर्स एंड देन इट विल गेट बेटर. सही है, इस जे का इफेक्ट को नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं दोबारा यहां से डिस्कस करूंगा, पहले जे का इन्वर्टेड जे कर्व की बात भी कर ही देता हूं. अगर जे का इफेक्ट इस तरह से है, सो इफ फॉर एग्जाम्पल यू गेटिंग द ऑल्टरनेट सिचुएशन, If I was here, for example, point B पर था, सही है? और आप point B पर क्या करते हो, करेंसी को for example revaluation of करेंसी कर देते हो, revaluation of करेंसी. Revaluation मतलब मैं, और मैं deliberately क्या कर रहा हूँ, उसको overvalue कर रहा हूँ. सही है, under अगर ये पहले से undervalued है तो change होता वो कुछ और बन रहा होता, market value पे होता तो वो clear कर रहा होता. So revaluation of currency अगर हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, short run response inelastic होगा, इसे short run के अंदर ये rise करेगा और long run के अंदर ये fall करेगा. तो यहां जो हमारे पास impact आता है, this is called an inverted J curve effect. This is an inverted J curve effect. सही है, अच्छा inverted. So, अब आखिरी क्वेश्चन जो इसके अंदर रह गया है वो ये कि जे कर्व इफेक्ट आ क्यों रहा है, व्हाट आर द कॉसेस ऑफ दिस जे कर्व इफेक्ट. जे कर्व इफेक्ट आने की एक वजह ये है कि कंज्यूमर्स दे टेक टाइम टू एडजस्ट, अभी फॉरन नहीं एडजस्ट कर जाएगा कंज्यूमर टाइम लेगा एडजस्ट करने के अंदर. अगर यहाँ पाकिस्तानी एक कंज्यूमर है जो फॉर एग्जाम्पल एक इम्पोर्टेड टूथपेस्ट यूज कर रहा है, मैं टूथपेस्ट एज ए रैंडम एग्जाम्पल ले ली, इफ हमारी करेंसी वीक हो जाए, दैट्स इट, इम्पोर्टेड टूथपेस्ट महंगा आ जाए, तब भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अगले हफ्ते से अगले महीने से इम्पोर्टेड गुड्स पे फॉरन छोड़ देगा और लोकल गुड्स पे आ जाएगा. जब तक कि उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि लोकल गुड्स इक्वली अच्छी हैं, तब तक वो स्विच नहीं करेगा. सही है, एंड दैट मीन्स आर कंज्यूमर एंड देयर कंज्यूमर आर गोइंग टू टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू इट. और जाहिर है जब टाइम लगेगा रिस्पॉन्स के अंदर तो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स कम होगा और लॉन्ग रन रिस्पॉन्स ज्यादा होगा. बेसिकली बैकग्राउंड में यही बात चल रही है कि शॉर्ट रन रिस्पॉन्स कम होता है, लॉन्ग रन रिस्पॉन्स ज्यादा होता है. प्रोडक्शन में टाइम लैग लगेगा, ये जो हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़, अगर आज बढ़ भी गया, लेट्स से आज हमारी डिमांड बढ़ गई, बट प्रोड्यूसर्स विल टेक टाइम टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई दिस, तो हमें रिटर्न्स तो सिर्फ तभी मिलेंगे, हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे तो सिर्फ तब फर्क पड़ेगा जब हम प्रोड्यूस करके वहां तक लेके जाएंगे. देन वी हैव स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगले 8 महीने तक या अगले 9 महीने तक हम जो है वो आपसे फला ये गुड इस प्राइस के ऊपर परचेज करेंगे, और एक्सचेंज रेट भी अक्सर इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फिक्स्ड होता है. सो इवन दो हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंजेस आ चुके हैं, हमें और जगह से ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है उसको ऑनर करना लाजमी होगा. इसलिए हमें हाई प्राइस पे भी इम्पोर्ट मिल रही है तब भी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी. प्लस डिलीवरी टाइम कैन टेक का इन्फ्लुएंस आएगा. डिलीवरी टाइम में सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि आज मैंने ऑर्डर किया तो दूसरी कंट्री से आ रहा है तो आने में वक्त लगेगा, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये भी है कि सारा आउटपुट एक साथ डिलीवर नहीं होता. यू डोंट एक्सपेक्ट कि आज पाकिस्तान अगर ऑयल परचेस कर रहा है तो अगर मैं अगले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो 6 महीने का तेल मुझे अगले हफ्ते मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. इसके अंदर ट्रांचेस होंगी कि मुझे कितने टाइम में पेमेंट करनी होगी और कितने टाइम में ऑयल परचेस किया जाएगा. सो डिलीवरी टाइम से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितना टाइम लगेगा सेलर से बायर तक पहुंचने में, साथ में ये बात भी देखनी पड़ रही है कि सेलर से बायर पे जब पूरा आउटपुट आएगा तो इंपैक्ट आएगा, व्हिच विल ऑफ कोर्स बी इन व्हिच कैन बी इन डिफरेंट पॉकेट्स के, आपको पहले 10% दे दिया, फिर 50% दे दिया, फिर 20% दे दिया, तो डिफरेंस इस तरह से आ सकता है. सही है, इज दिस क्लियर, यस और नो?
हो तो सकता है शायद के लॉन्ग रन में इनलास्टिक रिस्पांस है, बट वी वुड आर्ग्यू कि भाई जब जब सस्ता मिल रहा है उधर से वो तो क्यों लेगा। हमें क्लियर है बेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं इसका एक रीकैप दे दूंगा फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ओके चलो भाई अल्लाह हाफिज। आज भेज रहा हूँ। ओके।